खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले कटारिया साहब से शुरुआत कर लेते हैं। कटारिया साहब, ये क्या हो गया? अभी एक बड़ा फिल्मी जुमला है, वो याद आ रहा है मुझे, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये तो अशोक तंवर साहब 10 जनपद पे पहुंच गए हैं, टिकटें बटी नहीं और हल्ला मच गया। देखो, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपना बात रखने का, आप जिस हिसाब से कह रहे हल्ला नहीं है, ये अपने बात रखने के लिए क्या हल्ला और क्या होता है? वो वहां भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करने पर तुले हैं, इससे बड़ा हल्ला क्या होगा? अब रैली तो करने से रहे 10 जनपद के बाहर। अभी कोई चीज लिस्ट आउट नहीं हुई है, कई बार कोई गलतफहमी हो जाती है, वो कार्यकर्ता को कई बार मिसगाइड कर देते हैं, वो पहुंचे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। प्रजातंत्र के नेता इतने छोटे हैं कि मिसगाइड हो जाते हैं कार्यकर्ताओं से? वो अध्यक्ष रहे हैं और वो लगातार वायरल कर रहे हैं इस बात को कि नष्ट कर दिया पार्टी ने, टिकट बेच दिए। इतने छोटे नेता हैं कि उनको कोई भी गुमराह कर सकता है? नहीं, कोई नेता कभी गुमराह नहीं होते, बात कार्यकर्ता वहां करें। कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया, एक सोशल मीडिया पर मैसेज दिया गया, मैं सुना दूं, उसमें गालियां हैं थोड़ी, नहीं तो मैं सुना भी देता। देखो, मेरे को इस बात का ना मैंने मैसेज सुना ना, तो मेरे हिसाब से ऐसा, क्योंकि बड़े जिम्मेवार आदमी हैं अशोक तंवर जी, अध्यक्ष पद पर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ऐसी छोटी बात नहीं कर रहे।